8,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ कर दिए। ऐसी भी विपरीत परिस्थितियां राजस्थान में किसान का बिजली का बिल किसी भी हालात में नहीं बढ़ेगा। ये एकमात्र सरकार है जो आम आदमी की बात सुनने वाली सरकार है। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सर, जो आपके जो तहसीलदार साहब हैं, एसडीओ साहब, वो कहते हैं कि अगला कोई एसडीएम आएगा वो कार्रवाई करेगा। नहीं, आप सर मुझे सीख कर जाना, और बात करता हूँ। आपकी संवेदनशील सरकार कह रही है किसानों के कल्याण की बात की जा रही है, सब्सिडी बंद कर दी बिलों पे, किसानों के बिलों पे सब्सिडी बंद कर दी आपने। देखिए, ऐसा नहीं है। किसानों, कांग्रेस की जब भी सरकार रही है, किसानों का जो बिल है, उनकी जो विद्युत दर है, वो विद्युत दरें नहीं बढ़ाने का संकल्प हमने पहले दिन लिया था, और एक पैसा भी हमने इन बिलों में नहीं बढ़ाया है। सब्सिडी बंद करने जैसी भी कोई बात ऐसी नहीं है, और किसानों के कल्याण के लिए सरकार हमेशा कटिबद्ध रही है, मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध रहे हैं। कि आप जो है 2 साल की बिजली बता रहे हैं सरकार के, आप जो है 500 वाले पूरे कर चुके हैं, क्या किसानों को क्या भाव ही नहीं क्या पंचायत चुनाव में आपको बिजली चला दिया? देखिए, चुनाव की अलग परिस्थितियां होती है अलग अलग क्षेत्रों की। हमारे पिछले 6 महीने में नगर निगम के चुनाव हुए, नगरीय निकायों के चुनाव हुए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, तो इन चुनावों में मिला जुला परिणाम है, और ओवरऑल कांग्रेस पार्टी के ज्यादा सदस्य जीते हैं। परिवर्तन की बात जो एमएलए साहब कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो कोई बात है, लेकिन हमारा जो संकल्प है, जिस विश्वास और उम्मीद के साथ हमें लोगों ने काम करने का, राजस्थान के लोगों ने मौका दिया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री जी खुद देश भर के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में करते हैं। निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, तो जैसे ही हमारी राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा परमिशन दी जाएगी कॉलेज और स्कूल खोलने की, तो परिस्थितियां सामान्य होने के बाद सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और जो भी बच्चों का इस अवधि में नुकसान हुआ है, क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है, 6 महीने तक विद्यार्थी कॉलेज में नहीं पढ़ पाए, तो उसकी भरपाई करने के लिए विद्यार्थियों को के हित में हम निर्णय लेंगे, और कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर के आएंगे जिससे विद्यार्थियों को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति भी हो, और बच्चों को किसी भी प्रकार का मानसिक नुकसान नहीं हो, और वो अगली कक्षा में प्रवेश भी ले सके। आप 6 साल की उपलब्धियां बताई, लेकिन आपकी राज्य सरकार के एक अधिकारी बाहर धरने पर बैठी है। उसमें ये एक मिनट, वो हनुमानगढ़ की पहले पोस्टेड थे तो मैटरनिटी लीव पे चली गई थी 10-12 साल पहले, उसका प्रकरण राज्य सरकार पे चल रहा, उसको नोटिस वगैरह दिया, चार्जशीट वगैरह दी थी, तो वो अंडर कंसिडरेशन है। जिस दिन बैठी थी उस दिन जब मुझे पता चला तो वहाँ के अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा इनका रिप्रेजेंटेशन भिजवा दीजिए, हम जल्दी इसका समाधान करते हैं। सर, एक देखिए, ऐसा है कि उनकी जो भी समस्या है सरकार पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक उस पर निर्णय लेगी। आम आदमी की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री है, तो जो भी महिला अनबार आप जैसा बताया धरने पे विराजी हुए, तो उनका वो उस मुद्दे को कलेक्टर साहब ने पूरा सरकार तक भिजवाया है, उसका समाधान किया जाएगा। एक सवाल मेरा है सर, 13 अक्टूबर को जो रानीसती मंदिर है उसके सामने एक एटीएम है आईडीबीआई बैंक का, उसमें 6,500 रुपए 4 बदमाशों ने 20 मिनट में लूट लिए। जिस गाड़ी से लूटा, स्कॉर्पियो गाड़ी ना, तो सर अभी तक तो उसको पुलिस डिटेन कर पाई है? अगर कर पाई है तो पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया सर? सब करेंगे यार सरकार। ये अभी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, एसपी साहब को भी हमने निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप से पूरी तरह से हमारी प्रशासन सतर्क। आप मेरी बात सुनिए, मैं पहली बार आप लोगों के बीच में समय समय पर आता रहूंगा, तो सारी स्थानीय मुद्दों की इतनी जानकारी मुझे थोड़ी। आपकी सरकार ने अधिकारी बड़े टाइम हो गए, अभी उनको अभियोजन की स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही, कि उनके खिलाफ कार्रवाई आगे की हो सके? देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी कलेक्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ कि ऐसे ईमानदार और इतने निष्पक्ष मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकते, जहाँ एक कलेक्टर को करप्शन में बंद किया जाता है, तो करप्शन के खिलाफ सरकार कितनी जागरूक है, कितनी सतर्क है, ये आप समझ सकते हैं। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, ये अनुसंधान की एक प्रक्रिया होती है,
और निश्चित रूप से किसी भी दोषी व्यक्ति को किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। और सर जो आपके जो तहसीलदार साहब हैं एसडीएम साहब वो कहते हैं कि अगला कोई एसडीएम आएगा वो कार्रवाई करेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सारी बातें हमने कहा है आज पूरी मीटिंग में। अभी सर सीकर जाना अदरवाइज और बात करता हूँ। जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली झुंझुनू की शौर्य धरा पर आज मैं मीडिया साथियों से मुताबिक हो रहा मुताबिक हो रहा हूं और इसमें इससे अपना सौभाग्य मानता हूं। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया है और अब वैक्सीन आने की संभावना के मद्देनज़र हमारी सरकार इसके भंडारण उपयोग की दिशा में अभी से वैश्विक व्यापक तैयारियाँ कर रही है। सरकार ने जो 2 साल में जो काम किया है, किसान युवा ग्रामीण कर्मचारी व्यापारी हर वर्ग की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने 501 में से 252 वादे यानी 50% वादे इस राजस्थान की सरकार ने 2 साल में पूरे किए हैं। लेकिन जब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, जब जब अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सरकार बनते ही अपना घोषणा पत्र को सीएस को दे दिया और सरकारी दस्तावेज मानकर काम करने का आदेश दे दिया। कम से कम 1 साल तो कोविड में निकल गया और 1 साल के अंदर वादे पूरे कर दिए हैं। कोविड जैसी वैश्विक महामारी जिसने पूरी धरती को एक अचंभित कर दिया, किस प्रकार से अच्छा प्रबंधन, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो चाहे रामगंज का हो मॉडल, जो पूरे देश के अंदर जो चर्चित रहा है, और अब जब वैक्सीन आ रही है तो वैक्सीन का किस प्रकार भंडारण किया जा सकता है, किस प्रकार उसका उपयोग किया जा सकता है, ये देश में अभी कोई दूसरे स्टेट ने तैयारी करी हो न करी हो, लेकिन राजस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है। झुंझुनू जिला कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का पानी पूरे जिले को मिले, ये सरकार का एक बहुत बड़ा सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। झुंझुनू का मेडिकल कॉलेज का सपना हो चाहे झुंझुनू सीकर और चूरू के अंदर आधुनिक क्षमताओं का मेडिकल कॉलेज हो, और 3 साल में ये सपना नए प्रतिमान के साथ साकार हो, इस दिशा में राज्य सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। 31,000 तृतीय शहरी अध्यापकों की भर्ती होगी, रिट का एग्जाम होगा, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान की सरकार के लिए। किसान के लिए सरकार हमेशा चिंतित रही है, जब भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी किसान के लिए ये वादा किया गया कि किसान का बिजली का बिल पूरे 5 साल तक नहीं बढ़ेगा। पहले मुख्यमंत्री थे अशोक जी, तब भी 10 लाख लोगों की मौजूदगी में सोनिया गांधी जी के सामने इस वादे को दोहराया गया था और पुनः एक बार इस वादे को दोहराया गया कि चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो राजस्थान में किसान का बिजली का बिल किसी भी हालात में नहीं बढ़ेगा। राहुल गांधी जी ने जो कहा था 10 दिन में सरकार बनने के साथ के अंदर कर्जे माफ करने की बात, वो हमारी सरकार ने 20.85 लाख किसानों को सहकारी बैंकों के 8,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ कर दिए जो सबके सामने। इंदिरा रसोई की जो आप योजना है, ये 8 रुपए में थाली के अंदर इंदिरा रसोई दे रही है और 12 रुपए उसका अनुदान राज्य सरकार दे रही है। हमारा कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इस नारे को अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान के लिए एक चरितार्थ संवेदनशील सरकार होते हुए किस प्रकार लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में भी कोरोना काल में बड़ी संख्या में प्रवासी लौट के आए, उनकी भी समुचित व्यवस्था भी कलेक्टर साहब बता रहे थे जो झुंझुनू के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। हम उन साथियों से कहना चाहते हैं, विपक्ष के साथियों से जिनके 25-25 सांसद यहाँ से जीत के गए, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता? ये जिला किसानों का जिला है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, एक ढाणी से निकल के आया हूँ। हम लोग जब चुनाव जीतते हैं तो किसान की बात करते हैं और दूसरी पार्टियां भी करती हैं, लेकिन हमारा सीधा सीधा आरोप भी है कांग्रेस की, जब भी राजस्थान में हिंदुस्तान में सरकार बनी उन्होंने किसान के हित के बारे में सोचा। 70,000 करोड़ का कर्जा माफ देश के मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया, अभी हाल ही के अंदर 10 दिन में कर्जा कांग्रेस की सरकार ने किया, क्या हालात हो रहे हैं? 3 बिल लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, आज देश का किसान हाहाकार कर रहा है, आज देश का किसान सड़कों पे हो रहा है सर्दी के मारे, ठंड के मारे 12 किसान उस डारा किसान की डेथ हो चुकी है, इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पे किसी भी प्रकार का असर नहीं है। राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उन बिलों को फाड़ दिया है, उन बिलों को मानने से मना कर दिया है। पंजाब की सरकार ने मना कर दिया, पांडिचेरी की सरकार ने मना कर दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने मना कर दिया, केरल की सरकार ने मना कर दिया, दिल्ली की सरकार ने मना कर दिया, उसके बाद में भी किसी प्रकार का असर नहीं पड़ रहा। इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा सीधा सा आरोप लगाते हैं, ये किसान विरोधी सरकार है, जिस दिन के घटक दल इनकी मंत्री पहले दिन इस्तीफा दे चुकी,
या आरएलपी के इनके जो जीते हुए वो इनको रोज रोज धमकाते, तो इस प्रकार एक दिन इनका इस प्रकार से आएगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली खड़ी रह जाएगी और सारे घटक दल इनसे निकल जाएंगे। राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देश के अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की राजनीतिक सलाहकार पूर्णिमा बोरिया ने 25 जुलाई को एक आर्टिकल छापा डेनवर के अंदर, उसके अंदर भी उन्होंने आर्टिकल के अंदर अशोक गहलोत जी के प्रबंधन की तारीफ करी है। झुंझुनू जिले को भारतीय सेनाओं में सर्वाधिक सैनिक भागीदारी का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1948 में जम्मू कश्मीर की रक्षा से लेकर कारगिल संघर्ष तक प्रत्येक युद्ध एवं रक्षा ऑपरेशन में वीरता और शहादत के अनुकरणीय उदाहरण पेश किए हैं। इस वीर धरा को मैं सबसे पहले नमन करना चाहूँगा। विकास के 2 साल का कुछ ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई थी और उस पेंशन को बढ़ाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में किया है। 500 रुपये जिनको पेंशन मिलती थी वो 750 किए गए। 750 रुपये जिनको मिलते थे उनको 1000 रुपये प्रतिमा पेंशन किया गया। इससे हमारे बुजुर्गों को विशेष राहत देने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। राजस्थान में 57 नई पंचायत समितियां बनाई गई, करीब 1260 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई। 2018 से पहले 607 तरह की दवाइयाँ निःशुल्क मिलती थी, उनको 713 किया गया और 90 प्रकार की जो जांचें हैं वो निःशुल्क बढ़ा करके की गई। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट्स में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई। जो जीएनएम के रिक्त पद थे, जो रुकी हुई भर्तियां थी पिछली सरकार के समय, उन भर्तियों को पूरा किया गया राजस्थान में। और दिसंबर 2020 में करीब 2000 डॉक्टरों के पूरे प्रदेश में भर्ती की गई, उससे राजस्थान के 80% से ज़्यादा हॉस्पिटल आज उनमें डॉक्टर मिल गए हैं। EWS का जो आरक्षण है उसको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों व शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया और उसमें जो जटिल शर्त थी केंद्र सरकार की भूमि व अन्य जो शर्तें थी वो हटाई गई, जिससे राजस्थान में EWS का लाभ आज राजस्थान के आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के जो कमजोर युवा हैं उनको मिल रहा है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त, अभी हमने 920 पदों पर कॉलेज लेक्चरर के रिक्त पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है सरकार के द्वारा, उसमें जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की UGC की जो शर्त थी उसकी वजह से राजस्थान के विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो उस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की शर्त में काफ़ी हमने नियमों में शिथिलता दी है सरकार के द्वारा और कोरोना काल में ई कंटेंट आदि भी बड़ी संख्या में बनवा करके, ई लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के आदि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को एक अपना एकेडमिक लॉस नहीं हो कॉलेज बंद होने की वजह से। सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम का दर्जा दिया गया। महात्मा गांधी जी की जयंती के पिछले साल 150 वर्ष पूरे हुए थे, उस समय ये योजना शुरू की गई और आज अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बिना फीस के गांव का बच्चा, एक किसान का, गरीब का बच्चा आज पढ़ रहा है। झुंझुनू जिले में भी 3 नए कॉलेज खोले गए हैं। नवलगढ़ का जो कॉलेज है उसको PG किया गया है, उसमें विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोला गया है। अंबानी, अडानी जैसे कुछ औद्योगिक घरानों को फायदा देने की सोच के साथ जो ये बिल लाए गए हैं, इन बिलों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक देश का किसान उन सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है।